बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे तभी वहां एक भूत आ जाता है। दोनों डर जाते हैं और वहां से भागते हैं। तभी गंगूताई बच्चों से बोली, इतनी तेजी से कहाँ भाग रहे हो? दोनों बोले, वहां क्लास में भूत है। गंगूताई बोली, चलो मैं भूत को भगाती हूँ। सब मिलकर क्लास में जाते हैं। तभी गंगूताई हाथ में झाड़ू रखकर मंत्र पढ़ती है। झाड़ू तुरंत में जादुई बंदूक बन जाता है। गंगूताई बंदूक से भूत पर हमला करती है। तुरंत में भूत वहां से गायब हो जाता है। सब राहत की सांस लेते हैं। क्या आपको भी गंगूताई की जरूरत है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। एक बाप बेटे साइकिल से मार्केट में घूम रहे थे। तभी बच्चा पिता से कुछ दिलाने की जिद करता है। पिता बोला, चलो आगे दिलाता हूँ। पिता बच्चे को लेकर दुकान पर पहुँचता है और बच्चे को दुकान से लेज दिलाता है। बच्चा लेज लेकर बहुत खुश हो जाता है। दोनों फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी आदमी की नज़र अब उसकी पत्नी पर पड़ती है। वह बोली, कहाँ जा रहे हो? पति बोला, मैं बच्चे को घुमाने लेकर आया था। पत्नी बोली, कहाँ है बच्चा? इस पर पति बोला, यहाँ तो है। तभी बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। देख हक्का हक्का रह जाता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें हमारी मेहनत के लिए। एक बच्ची स्कूल से अकेले घर आ रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है और बोला, टाइम कितना हुआ है? लड़की बोली, मेरे पास घड़ी नहीं है। इतना बोलकर वह वहां से आगे चली जाती है। चलते चलते वह थक जाती है और एक जगह खड़ी हो जाती है। तभी वह आदमी वहां फिर आ जाता है। वह बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बच्ची घबरा जाती है और मना करते हुए वहां से चली जाती है। तभी बच्ची मंदिर के पास पहुँचती है और भगवान को प्रणाम करती है। पर ये क्या, वह आदमी फिर से उसके पास आ जाता है। लड़की डर से वहां से भागती है और पीछे पलट पलट कर बार बार देखती है कि तभी वह आदमी उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। बच्ची यह देखकर हक्का बक्का रह जाती है और वहां से भागकर घर पहुंचकर राहत की सांस लेती है। पति घर पर झाड़ू लगा रहा था और पत्नी किचन में काम कर रही थी। तभी घर में सांप आ जाता है और पत्नी को काट लेता है। पत्नी वहीं मर जाती है और भूत बन जाती है। थोड़ी देर बाद पति घर आता है। पत्नी उसे खाना लाकर देती है। दोनों खाना खाते हैं और पति घर में टहलने लगता है। तभी उसकी नजर अपनी मरी हुई पत्नी पर पड़ती है। वह डर जाता है और डरता हुआ किचन में जाता है तो किचन में ही उसकी पत्नी होती है। भूत या पत्नी जैसे ही पति की तरफ देखती है, पति उसका चेहरा देखकर डर से वहीं बेहोश हो जाता है। एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। तभी पति बोला, आज पूरी रात हम बैठकर भूतों की मूवी देखेंगे। सब मिलकर खाना खाते हैं और बच्चे को गोद में बिठाकर मूवी देखने लगते हैं। थोड़ी देर में बच्चा सो जाता है। वह बच्चे को वहीं सुलाकर टीवी देखने लगते हैं। रात के करीब 2 बजे कमरे से उनके बच्चे के रोने की आवाज आती है। पति दौड़कर कमरे की तरफ जाता है। तभी पत्नी को याद आता है कि बच्चा तो हमारे पास ही सोया था, तो कमरे में किस बच्चे की आवाज आ रही है? तभी पति कमरे में पहुंचता है तो कमरे में भूतिया बच्चे को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और वहीं भी हो जाता है। एक लड़की मार्केट में नारियल पानी पी रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है और लड़की से नारियल पानी पिलाने को बोलता है। लड़की मना कर देती है पर वह बार बार मांगता है। अब आदमी को गुस्सा आ जाता है और वह लड़की से नारियल पानी छीनने लगता है। तभी नारियल पानी गायब हो जाता है। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं और सोचते हैं, ये नारियल पानी किसने पिया? यह सोचते सोचते रास्ते भर दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। आपको समझ आया नारियल पानी किसने पिया है? एक बच्चा अपने पिता के साथ झूला झूल रहा था। बच्चा झूले से नीचे उतरता है और पिता के साथ खेलने लगता है। दोनों खेलते खेलते काफी थक जाते हैं। पिता बच्चे को कमरे में सोने लेकर जाता है तो उसकी पत्नी और बच्चा बेड पर सोए हुए थे। पिता यह देखकर घबरा जाता है और तेजी से बच्चे की तरफ देखता है तो बच्चा गायब हो जाता है। पिता यह देखकर डर से वहीं बेहोश हो जाता है। एक आदमी बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह बच्चे को गोद में उठाकर बाहर की तरफ जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वह तेजी से अंदर जाता है और बच्चे को टेबल पर बिठाकर अपना मोबाइल लेता है और बच्चे को गोद में जैसे ही उठाता है, बच्चा गायब हो जाता है। आदमी यह देखकर हक्का बक्का हो जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। एक बार एक बच्चा अपने घर पर खेल रहा था। थोड़ी देर खेलने के बाद उसकी बहन उसके पास आकर उसके साथ खेलने लगती है। खेलते खेलते दोनों काफी थक जाते हैं और उन्हें प्यास भी लग जाती है। बहन बोलती है, मैं पानी लेके आती हूँ। वह पानी लेने चली जाती है। बच्चा थके होने के कारण वहीं लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है तो वह सोचता है, उसकी बहन अभी तक की पानी लेके क्यों नहीं आई है। वह किचन में जाने को सोचता है, तभी उसकी बहन सीढ़ियों से बाहर घर के अंदर आती है। वह उसे बाहर से आता देख डर जाता है और बहन को पूछता है, आप तो पानी लाने किचन में गई थी, फिर आप बाहर से कैसे आ रही हो?
बहन बोलती है, मैं काफी समय से घर के बाहर थी। भाई यह सुनकर वहीं गिर जाता है।